स्वस्तिना पूषा विश्ववेदा स्वस्तिन चार्क्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि सूत्र देखिए कलावा जो है आपको इसलिए ये तीनों चीजें आपको गायत्री मंत्र से मिल जाती हैं क्योंकि इसमें तत्सुतुर वरेण्यम भी है भर्गो दिवस धीमे भी है और धीवना प्रचोदयात भी है। ये तत्सुतुर वरेण्यम इट मीन्स गायत्री गॉडेस ऑफ विजडम भर्गो दिवस धीमे गायत्री गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी और धीवना प्रचोदयात गायत्री गॉडेस ऑफ प्रोडक्शन सद्बुद्धि समृद्धि संरक्षण की तीनों शक्तियाँ ये समय की शक्ति का नाम है गायत्री। तीन चीजें आपको मिल जाती हैं अज्ञान आपका समाप्त हो जाता है बुद्धि कुशाग्र होती है अभाव मिट जाते हैं स्कैसिटी मिट जाती है पॉवर्टी मिट जाती है आपके सारे नीड्स रिक्वायरमेंट फुलफिल होते हैं भर्गो दिवस से धीमे से क्योंकि लक्ष्मी माता का पद है और धीवना प्रजात माँ दुर्गा की शक्ति है परिवार की रक्षा होती है एक्सीडेंट चलते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार से विचार नहीं करेंगे तो गायत्री मंत्र में क्या क्या है एक प्रणव है तीन जो है महाशक्तियाँ हैं 24 अक्षर हैं 9 शब्द हैं पूरा सब कुछ है विश्व प्रमाण की सारी चीज़ें इस गायत्री मंत्र में सन्निहित इस पर गुरुदेव ने एक मोटा ग्रंथ लिखा है गायत्री महाविज्ञान आप कभी पढ़िएगा सारी चीज़ें एक साथ नहीं बताई जा सकती हूँ तो हम बता रहे थे मिष्ठान चढ़ाए मतलब वाणी में मिठास हो भगवान को पूगी फल सुपारी चढ़ाते हैं निष्ठावान बनी नैष्ठिक बनी लाइबिलिटीज को सही ढंग से परफॉर्म करिए पलायनवादी विचारधारा को मत स्वीकार करिए कोई भी काम जिम्मेदारी सौंपी जाती है भागते हैं लोग और चढ़ा रहे हैं सुपारी दृढ़ संकल्पित होइए फर्म डिटर्मिनेशन हो दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए जो ठान ले वो आपका अनुष्ठान बन जाए तो सुपारी चढ़ाना सार्थक है। फूल चढ़ाते हैं तो फूल की भावनाएं कोमल हो सहृदयता हो सहिष्णुता हो अपने अंत का उल्लास भगवान को अर्पित करिए बुझे बुझे न उतरे मुस्कुराते रहिए प्रफुल्लित रहिए फूल के तरीके से कांटों में खिलना सीखिए और फूल की जैसी त्याग की भावना हो फूल कितना बड़ा त्याग करता है अपना गला छिदा कर दूसरे के गले का हार बनता है आप भी पुष्प की तरीके से जीवन जिए तो फूल चढ़ाना सार्थक है भगवान को जल चढ़ाते हैं जल जैसी स्वच्छता जल सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है गिलास में रखो गिलास जैसा बाल्टी में रखो बाल्टी जैसा ड्रम में रखो ड्रम जैसा और अपने अस्तित्व को पीछे कर लेता है दूसरों को इम्पोर्टेंस देता है अगर जल में आपने नमक मिलाया तो नमक को इम्पोर्टेंस चीनी मिलाया तो चीनी को इम्पोर्टेंस यहाँ आदमी दूसरे को ढकेल कर आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन हम पीछे रहें दूसरों को आगे बढ़ाएं ये भाव है कि आइए हाथ जोड़ लेते हैं परमात्मा को नमन करते हैं। यहाँ पर आपको शक्तियाँ दिख रही हैं कुछ थोड़ी थोड़े देवता दिख रहे हैं कुछ प्रतिमाएँ दिख रही हैं लेकिन इतनी शक्तियों की यहाँ पर सबकी ड्यूटी लग गई अगर आप महामहिम राष्ट्रपति का कार्यक्रम इस राजस्थान क्षेत्र में लग जाए आप देखिएगा 15-20 दिन पहले से आईजी डीआईजी एसएसपी कलेक्टर सब दौड़ की व्यवस्था संभालते हैं सड़कों की मरम्मत होती छिड़काव होता है ये आप यहाँ भी अलग छिड़काव हुआ अभी देखिए फ्यूमिगेशन हुआ अभी तो ये भगवान की शक्तियाँ ये सारी संभाले हुए और तब तक रहेंगी जब तक आप श्रद्धा से उनको अभी विदा नहीं करेंगे यज्ञ के बाद हम अक्षत डाल करके उनको विदाई देंगे तब हो जाएंगी सबकी ड्यूटी लग गई तो अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद हैं क्योंकि सबकी अपनी व्यवस्था संभाले हुए बहुत कुछ व्यवस्थाएँ तो आप लोगों ने बनाई दीपक की व्यवस्था की है सब पूजन की व्यवस्था की है लेकिन कुछ व्यवस्थाएँ जो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर है हमारी क्षमता से बाहर है वो देव शक्तियाँ बनाती हैं आई सबको एक साथ प्रणाम कर लें। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः गायत्री माता की जय। देखिए अब ओम भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब अपने अग्रज आदरणीय श्री शिवाकांत त्रिपाठी जी से अनुरोध करेंगे वरिष्ठ साधक हैं आप कानपुर उपजोन के समन्वयक हैं गायत्री परिवार के
7 जिलों का पूरा कार्य देख रहे हैं, जिसमें इटावा, कानपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, कन्नौज और पूरा कानपुर, उन्नाव, इस प्रकार से कुछ ईश्वरी कृपा है सौभाग्य से। भाई साहब कानपुर उपजोन देख रहे हैं, हम लखनऊ उपजोन देख रहे हैं। लखनऊ उपजोन में 5 जिले हैं, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी और पूरा लखनऊ। तो 12 जिले का प्रतिनिधित्व यहाँ से हो रहा है। आदरणीय त्रिपाठी जी से अनुरोध करेंगे वो आशीर्वचन के रूप में हम सबको प्रेरणा दें, गुरुदेव का संक्षिप्त सा संदेश मात्र 10-15 मिनट में बताने की कृपा करेंगे। संभवं संभवकर्तुमोदितं प्रचण्डजञ्झावर्तिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकायममुं नमाम्यहं परं महाकायममुं नमाम्यहं। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हमने अभी आओ बिचारे आज मिलकर ये सब मिलकर के तो है हमारे यज्ञ को पूर्ण कर पावन बना देव सविता पावन बना दो का नाम कोई बच्चा तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक माँ नहीं करती। आप देखते रहिए जिसको दीजिए पैसा नहीं है माँ का शिक्षा बच्चे ले लो। इसे स्वाहा होते हैं, स्वाहा होने पर मुख्य होता है भगवान आहुति का जो प्रारंभ होता है। यज्ञ एक विज्ञान है, यज्ञ एक विधा है, एक बहुत बड़ी साइंस है। बुद्धि सज्ञान और हर ऋषि ने, हर महात्मा ने, हर महापुरुष ने, हर देवता ने, हर अवतारी तीसरा ने गाय की दिखा जाती है। आप भी अपने बच्चों की संस्कार गायत्री कराइए, गाय की साधना करिए, समय समय पर अपने घर में महाकाय नमः।
जयति जयति गायत्री माता सद भाति तारिणी तुलसी पूजि काता मा तुलसी पूजि काता सतमार्ग पर हमी जलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता मुझे श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वहां पारो मासायक चारु चापं नमामि रामं आज अमर बलिदानी कुठारी बंधुओं का बलिदान दिवस है। 30 अक्टूबर 1990 यह वो दिन था जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने इस बात की घोषणा की थी कि अयोध्या में राम भक्त प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी है कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन भगवान राम की प्रेरणा थी, राम भक्त न सिर्फ अयोध्या के उस चक्रव्यूह को भेद कर राम मंदिर तक पहुंचे, उस ढांचे तक पहुंचे, बल्कि उन्होंने उस ढांचे पर चढ़कर पावन भगवा ध्वज भी लहरा दिया। यह घटना मुलायम सिंह यादव जी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उनके द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह भेज दिया गया था। अपनी व्याकुलता और अपनी खिसियाहट को छुपाने के लिए एक शासक कितना निर्मम हो सकता है, इसका उदाहरण हमें बाकी के 2-3 दिनों में देखने को मिला। इस बात की स्पष्ट रूप से जानकारी बाद में सामने आई कि मुलायम सिंह यादव जी ने वहां के सुरक्षा अधिकारियों को, वहां के पुलिस अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देश दिया कि जितने भी लोग उस दिन भगवा ध्वज फहराने में सफल हुए थे उस विवादित ढांचे पर, उनको चिन्हित किया जाए और उनको ढूंढा जाए कि अयोध्या में वो कहां कहां निवास कर रहे हैं। कुठारी बंधु उन्हीं लोगों में से थे। उन्होंने उस विवादित ढांचे पर चढ़कर भगवा ध्वज फहराया था और जैसा कि मुलायम सिंह यादव जी का निर्देश था, पुलिस उन्हें खोज रही थी। उन्हें ढूंढते ढूंढते पुलिस शरद कोठारी तक पहुंची। शरद कोठारी छोटे भाई थे, राम कोठारी उनसे बड़े भाई थे। शरद कोठारी के बारे में पुलिस को सूचना मिली, एक घर जिसमें वो निवास कर रहे थे उस घर से पुलिस वाले उनको खींच कर बाहर लाए। जब राम ने ये देखा कि शरद को इस तरह बर्बरता से, जैसे किसी क्रूर अपराधी को खींच कर सड़क पर लाया जाता है उस तरीके से पुलिस वाले खींच कर बाहर ला रहे हैं, तो वो आगे आए। बड़ा भाई था, छोटे भाई के ऊपर ये अत्याचार देख नहीं पाया,
वो सामने आया और उसने कहा, क्या ये किस शासक के फरमान को पूरा करने के लिए इतनी निर्ममता कर रहे हैं? राम पुलिस वालों को यह समझाने का प्रयास करता रहा कि हम कोई अपराधी नहीं है, हम राम भक्त हैं, हमने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन क्रूर अत्याचारी निरंकुश तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की वो पुलिस शरद और राम कोठारी पर दया करने पर तैयार नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने शरद की कनपट्टी पर अपनी बंदूक लगाकर उसे गोली मार दी और इतने पर भी वो रुके नहीं। इस बात की भी सूचना है कि उसके ऊपर बाद में और गोलियां भी दागी गईं। शरद की मृत्यु के बाद वो पुलिस वाले वहीं शांत नहीं हुए, उन्होंने राम कोठारी को अपना निशाना बनाया और उन्हें भी मौत की घाट उतार दिया। यह संभवतः अत्याचार की पराकाष्ठा थी। निरपराध लोग जिनका कोई अपराध नहीं था, कोई अपराधी नहीं थे, उन्होंने किसी की हत्या नहीं की थी, किसी का वध नहीं किया था, कहीं चोरी डकैती नहीं डाली थी, उन्होंने सिर्फ उस ढांचे पर अपना भगवा ध्वज फहराया था जो भगवान राम की जन्मभूमि थी। उस राम जन्मभूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके एक ढांचा खड़ा किया गया था और बाकी जब उसकी जांच हुई तो उसमें सारे प्रमाण मिले और उसी का परिणाम है कि वहां पर अब एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत लोगों को अच्छा लग रहा है कि वहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए बलिदान दिया, 1990 के वो दो चार दिन अयोध्या पर कितने भारी थे, कितनी गलियां कितनी सड़कें खून से रंग गई थी, वो आत्माएं, वो पुण्य आत्माएं अवश्य भगवान राम के चरणों में बैठी होंगी, ईश्वर के चरणों में बैठी होंगी और वहां से वो दृश्य देख रही होंगी। ये बात कि राम कोठारी और शरद कोठारी वहां बलिदान हुए हैं जब समाचार पत्रों में आई, अखबार में छपी, तो मेरे पूज्य पिताजी जो स्वयं राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे थे, उन्होंने निर्णय लिया था कि हम राम कोठारी और शरद कोठारी जो बाद में कोठारी बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध हुए, विख्यात हुए, उनका एक स्मारक लखनऊ में जरूर बनवाएंगे और ये उनकी इच्छा थी जिससे ये भव्य स्मारक का निर्माण राजाजीपुरम लखनऊ में हो पाया। जब इस स्मारक का निर्माण हुआ था तो बात उस समय मुलायम सिंह यादव जी तक पहुंची थी और उन्होंने यह घोषणा की थी कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो उस स्मारक पर बुलडोजर चलवा दूंगा। यह बात इंडिया टुडे ने पूरा एक दो पन्ने का लेख था, उसमें यह चित्र छपा था कोठारी बंधु की स्मृतिका का और यह खबर छपी थी। यह स्मृतिका आज भी यहां पर खड़ी हुई है और माननीय मुलायम सिंह जी कहां हैं आप सब जानते हैं। हमारे संस्कार हैं कि किसी भी दिवंगत व्यक्ति के लिए कुछ भी अपमानजनक नहीं कहा जाता, मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों का फल हर किसी को मिलता है और जैसे उनके कर्म थे उसका फल ईश्वर उन्हें जरूर दे, ये मैं अवश्य चाहूंगा। इस स्मृतिका पर प्रतिवर्ष ये आयोजन होता रहा है, पिछली बार हुआ था, उससे पहले कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन उससे पहले जो आयोजन था वो पिताजी ने स्वयं आयोजित किया था और मुझे याद है, शायद आप लोगों को भी याद होगा कि मंच से उन्होंने
बहुत भावुक होकर एक बात कही थी कि जब तक मैं हूं तब तक ये आयोजन हो रहा है, पता नहीं मेरे बाद इस आयोजन को कोई कराएगा कि नहीं कराएगा। आज वो जहां कहीं भी होंगे वो देख रहे होंगे कि आयोजन हो रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि आयोजन निरंतर होता रहे। पिछले वर्ष जब यह आयोजन हुआ था तो एक कवि सम्मेलन का आयोजन था और उसमें मैंने ये बात कही थी, बहुत सारे लोग इसे एक राजनीतिक कार्यक्रम मानते हैं। मैं देखता हूं राजनीति में प्रतिद्वंदिता एक स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीति में होता है उसके प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन युद्ध की भी एक नीति होती है, युद्ध की भी एक मर्यादा होती है और यह मर्यादा का पालन राजनीति में भी होना चाहिए। प्रतिद्वंदिता अवश्य निभाई जानी चाहिए, एक लक्ष्य होता है उसको पाने के लिए बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं, किसी एक को वो लक्ष्य प्राप्त होता है, लेकिन उस प्रतिद्वंदिता को इतना विस्तृत रूप देकर उसे एक व्यक्तिगत दुश्मनी तक नहीं पहुंचाना चाहिए। यह मेरा आग्रह हमेशा से रहा है, मैं इसका पालन करता हूं और मेरी भी हर किसी से यह अपेक्षा रहती है कि नेता वही बन सकता है जिसको आम जनता अपना नेतृत्व के लिए चुने। आप जबरदस्ती नेता नहीं बन सकते और जबरदस्ती नेता बनने का किसी को प्रयास भी नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो वो प्रयास आपका सफल नहीं होगा, आप उसमें विफल होंगे। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इन मर्यादाओं का पालन होना चाहिए और ये कार्यक्रम एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है। मैंने पिछले वर्ष भी ये बात इस मंच से दोहराई थी और मैंने ये भी कहा था कि मेरा राजनीतिक भविष्य कुछ भी हो लेकिन ये कार्यक्रम निरंतर होता रहेगा और ये बात मैं आज फिर दोहराता हूँ। कोई भी इसे राजनीति से जोड़कर मत देखे और वैसे भी जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं राजनीति का नहीं राष्ट्रनीति का व्यक्ति हूँ। मेरे राष्ट्र प्रथम है और मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं उसका नाम भी भारतीय जनता पार्टी है। सबसे पहले देश आता है, फिर जनता आती है और पार्टी आती है, यानी राष्ट्र हित सबसे ऊपर है और उसके बाद पार्टी का हित है और उसके बाद स्वयं मेरा या स्वयं अपना हित है। मैं जो कुछ भी करता हूं मेरा सारा प्रयास राष्ट्र हित में होता है, राजनीति से प्रेरित नहीं होता। तो मेरे प्रयास घूम फिर के भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं, ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये गर्व का विषय है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, गायत्री परिवार के सभी आचार्य जी जो सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, मेरे निवेदन पर, मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। बहुत से लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि मेरा राजनीतिक अस्तित्व ही नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित हुए उसके निवेदन पर जिसका राजनीतिक अस्तित्व ना होने की घोषणाएं लोग कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया ईश्वर चलाता है, धरती पे जो लोग हैं वो भगवान बनने का प्रयास ना करें तो बेहतर। ईश्वर का काम ईश्वर पर छोड़ दें, हर किसी के भविष्य का निर्धारण ईश्वर को करना है। और मेरा भविष्य क्या होगा, राष्ट्रनीति में मेरा भविष्य क्या होगा, राजनीति में मेरा भविष्य क्या होगा, ये निर्णय भी ईश्वर को करना है, तो बेहतर यही है कि ये निर्णय ईश्वर पर छोड़ दिया जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, इस यज्ञ में आपने आहुति दी, इसका पुण्य फल आप तक जरूर पहुंचे, ऐसी मेरी कामना है। पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। जय श्री राम।